नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया चीन एक बार फिर से भारत की सरजमी पर कब्जे की नापाक फितरत पाल कर बैठा हुआ है, लिहाजा सरहद पर तनातनी का माहौल है। और ऐसे माहौल में आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब यहाँ पे युद्ध के हालात बन जाएंगे तो किसका पलड़ा भारी होगा। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है और उसका डिफेंस बजट भारत से 3 गुना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, युद्ध कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक छोटा सा मुल्क वियतनाम सुपर पावर अमेरिका और चीन को मात दे सकता है। चंद तालिबानी रसिया और अमेरिका को घुटनों पर ला सकते हैं तो भारत तो बहुत बड़ी चीज है। भारत चीन से युद्ध के मामले में किसी भी तरह से कमतर नहीं है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के जल थल और आसमान वाली ताकत का डिकोड करने वाले हैं, साथ ही उसका कंपेयर करेंगे चीन के साथ में, ताकि आप जान पाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। भारत चीन युद्ध में किसका पलड़ा होगा भारी? चीन वैसे तो कई मामलों में भारत से आगे है, लेकिन सामरिक रूप से भारत भी खुद को काफी मजबूत कर चुका है। भारत अब चीन के हर नापाक इरादे का मजबूती से लोहा ले रहा है। भारत की तुलना में चीन कागजों पर ज्यादा मजबूत है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। दोस्तों, लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफी तलखी आई है। भारत और चीन एशिया की 2 महाशक्तियां मानी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके सामने लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? लिहाजा दोस्तों, सबसे पहले हम बजट का कंपैरिजन करते हैं। भारत से 3 गुना है चीनी रक्षा बजट। चीन का रक्षा बजट 26 मई को सामने आया है। इस साल इसे $179 बिलियन रखा गया है। इसके पीछे ड्रैगन के सामने बड़ी चुनौतियों को बताया गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 6.6% की बढ़ोतरी की गई है। भारत की बात करें तो हमारा बजट साल 2020 के लिए $66.9 बिलियन का है, मतलब चीन का ताजा बजट इसका 2.7 गुना ज्यादा है। यानी सेना पर खर्च के मामले में भारत चीन के मुकाबले 2.7 गुना ज्यादा है, यानी इस मामले में वो एडवांटेज में है। वहीं दोनों देशों की थल सेनाओं के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि चीन के पास भारत से ज्यादा बड़ी सेना है, लेकिन भारतीय जवानों को दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक भी माना जाता है। 1962 की लड़ाई में खुद चीन इस बात का गवाह रह चुका है। चीन के साथ अगर भारत का युद्ध होता है तो ये लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं बल्कि ये पहाड़ों की लड़ाई होगी, और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का महत्व ज्यादा है। यहां पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ऊंचाई पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर लद्दाख, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है और नेपाल, म्यांमार तटस्थ रह सकते हैं, तो इन इलाकों में भारत को पैदल सेना की ज्यादा जरूरत होगी। भारत बनाम चीन, किस में कितना दम, किसके पास कितनी सेना? चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय जवान हैं, जबकि भारत में ये संख्या 15 लाख है। हालांकि भारत के पास 21 लाख की फौज रिजर्व में है, जबकि चीन के पास ये केवल 5 लाख है। भारत को यहां थोड़ी मुश्किल जरूर उठानी पड़ सकती है क्योंकि एक्टिव जवान चीन के मुकाबले आधे हैं।
इसमें भी ज्यादातर जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और चीन के साथ युद्ध होने पर पाकिस्तान भी सरहद पर भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। वैसे इस मामले में भारत को ज्यादा चिंता करने की दरकार नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास कुल 42 लाख सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 37 लाख सैनिक हैं। इतना ही नहीं, भारत कई और मामलों में भी चीन से काफी आगे है। बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की बात की जाए तो भारत के पास 6,704 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, जबकि चीन के पास 4,788 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं। तोपखाने के मामले में भी भारत चीन से आगे है। चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं, जबकि भारत के पास चीन के मुकाबले 7,414 तोपखाने हैं। मिलिट्री टैंक्स की बात करें तो चीन इस मामले में भारत से आगे है। चीन के पास 6,457 कॉम्बैट टैंक हैं, जबकि भारत के पास 4,426 कॉम्बैट टैंक हैं। दोनों देश एक दूसरे की मिसाइल की जद में। अगर युद्ध मिसाइलों का होता है तो भारत और चीन एक दूसरे की जद में हैं। चीन के पास DF-41 मिसाइल है। 2019 में दिखाई गई इस मिसाइल के साथ दावा किया जाता है ये 30 मिनट में अमेरिका पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 9,320 किलोमीटर है। इसे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन के पास 13,000 किलोमीटर रेंज वाली डोंगफेंग 5 और इसी सीरीज की दूसरी मिसाइलें हैं, जबकि भारतीय सेना के बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइल हैं। भारत के पास 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल है। चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में है। वहीं जानकारों की माने तो ब्रह्मोस की तकनीक सबसे आधुनिक है और इसे 5 मिनट में दागने के लिए तैयार किया जा सकता है। ब्रह्मोस ने भारत की ताकत बढ़ाई है। इसे सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 विमानों से हवाई चोटियों से भी फायर किया जा सकता है, तो समंदर में पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इन सब के अलावा भारत के पास काली जैसे हथियार भी हैं, जिसका तोड़ दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। भारत ने अगर इस हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो चीन कुछ घंटों में ही अपने घुटनों पर होगा। परमाणु हथियारों की संख्या में चीन आगे। परमाणु हथियारों की बात करें तो चीन के पास करीब 260 परमाणु हथियार हैं, तो दूसरी तरफ भारत के पास केवल 110 परमाणु हथियार हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना के साथ साथ वायुसेना भी अपना जोहर दिखा सकती है। आज के दौर में युद्ध की परिस्थितियां चंद पलों में बदल जाती हैं और इस मामले में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो होती है वायुसेना। लिहाजा हम जानते हैं कि भारत और चीन की वायुसेना में कौन कितना ताकतवर है। एयरक्राफ्ट के मामले में चीन आगे। विमानों की संख्या में चीन फिलहाल हमसे आगे है। इसके पास 3,210 विमान हैं, वहीं भारत के पास 2,123 विमान हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो ये भारत के पास 538 हैं, जबकि चीन के पास 1,232 हैं। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात करें तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के लिहाज से फिलहाल हम चीन पर बढ़त हासिल करते हैं। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे तो वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकते हैं। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी कम हैं, लिहाजा चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बहतर है। मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-17J सुपर हरकुलस मालवाहक विमान के अलावा हमारे पास सुखोई 30, मिराज 2000 और तेजस जैसे लड़ाकू विमान हैं, जो 3,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में बने रह सकते हैं। इसके अलावा अब भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट भी आने वाला है, जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा ही बदल देगा। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। इसमें से 4 जुलाई के आखिर तक भारत आ सकते हैं। इनका आना भारत को तगड़ी मजबूती देगा। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया कराए जा सकते हैं और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकती है।
इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर भी चीनी सेना को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आसमान में भारत की ताकत। वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक। भारत के पास 2,123 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें से 538 लड़ाकू विमान हैं, 250 परिवहन विमान हैं, 359 ट्रेनर, 77 स्पेशल मिशन, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। भारत के पास 10 C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट और चिनूक व अपाचे हेलीकॉप्टर तगड़ी मजबूती देते हैं। वहीं राफेल विमान के आने से ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम चीन की वायुसेना की ताकत की बात करें तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी वायुसेना है। चीनी वायुसेना में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। चीन के पास कुल 3,210 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें से 1,232 लड़ाकू विमान हैं, 371 सिर्फ अटैक के लिए हैं, 224 परिवहन विमान हैं, 310 ट्रेनर, 111 स्पेशल मिशन, 911 हेलीकॉप्टर्स और 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास निश्चित तौर पर भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, लेकिन उसके पास भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 एमकेआई की कोई काट नहीं है। भारतीय सुखोई 30 एमकेआई चीन की सुखोई 30 एमकेएम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारतीय सुखोई 30 एक साथ 20 निशाने साध सकता है, जबकि चीनी सुखोई 30 एक बार में बस 2 ही निशाने साध सकता है। बड़ी बात तो यह है कि भारत का सुखोई विमान ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है। चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान हैं, लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली चीन से ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन दो जगहों के साथ समंदर पर भी भारतीय नौसेना जलवे दिखा रही होगी, और इस दौरान भारत की नौसेना का मुकाबला चीन की नौसेना के साथ होगा, और उसमें वो कितनी ताकतवर है ये आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत की बात करें तो भारत के पास 287 नेवल फ्लीट हैं, 1 एयरक्राफ्ट करियर है, 16 पनडुब्बियां हैं, 10 डेस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 139 कोस्टल पेट्रोल और 3 माइन वॉरफेयर हैं। INS विक्रमादित्य भारत का सबसे खतरनाक युद्धपोत है। इस विमानवाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई करीब 3 फुटबॉल मैदानों और ऊंचाई लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर है। इस पर कॉमर 31, कॉमर 28 हेलीकॉप्टर, मिग 29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात हैं, जिसकी वजह से ये काफी खतरनाक हो जाता है। इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं फटक सकते। इसके अलावा भारत के पास INS चक्र 2 जैसी नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना में शामिल ये पनडुब्बी परमाणु अटैक करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी है। वहीं चीनी नौसेना की बात करें तो चीन के पास 777 नेवल फ्लीट हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 36 डेस्ट्रॉयर हैं, 52 फ्रिगेट्स हैं, 50 कॉर्वेट्स हैं, 220 कोस्टल पेट्रोल हैं। चीनी नौसेना भले ही भारतीय नौसेना से ताकत में ज्यादा है, लेकिन चीनी नौसैनिक शक्ति युद्ध की स्थिति में चीन की मदद ज्यादा नहीं कर सकती है। चीन के युद्धपोत आसानी से हिंद महासागर में फंस सकते हैं, जहां भारतीय नौसेना शक्तिशाली है। चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसकी वजह से वो भारत के खिलाफ अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत की सीमा 13,888 किलोमीटर है, जबकि चीन की सीमा 22,457 किलोमीटर तक फैली है। इनमें से भी ज्यादातर में उसका विवाद चल रहा है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। चीन के पास भारत से ज्यादा बड़ी सेना है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि भारत की सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक सेना मानी जाती है, और ये सेना युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाने में भरोसा रखती है।
दोस्तों चीन 1962 की बात तो करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी जीत के 5 साल बाद भारत ने उसका नशा वो हमेशा के लिए उतार दिया था, जब 1967 के युद्ध में भारत ने उसे तगड़ी शिकस्त दी थी। वैसे दोस्तों आज 1962 वाली परिस्थितियां नहीं हैं, आज का भारत बिल्कुल जुदा है, जो चीन को हर मुकाबले में शिकस्त दे सकता है। चीन को भारत की ताकत का सबूत 1917 में डोकलाम में मिल चुका है, लेकिन बावजूद इसके उसने लद्दाख में घुसने की हिमाकत की है, जहां भारत एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों लद्दाख में चीन करगिल वॉर की तरह घुसपैठ करने की हिमाकत कर रहा था, लेकिन भारत के मिलिट्री सैटेलाइट्स की ट्रैकिंग और भारतीय सैनिकों की सतर्कता ने उसे वहीं पर रोक दिया है। तो दोस्तों चीन को लेकर पावर की कंपैरिजन आपको कैसी लगी? हमारे डिकोडिंग के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं और चीन के बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमें जरूर बताने की कोशिश करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।